दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। 70 लाख के पार हुई मरीजों की संख्या, तो 4 लाख से अधिक लोगों की हुई मौत। कोरोना से अब तक 34,60,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। भारत में भी कोरोना का कोहराम जारी। संक्रमितों की संख्या पहुंची 2,56,000 के पार, तो वहीं 7,135 संक्रमितों ने तोड़ा दम। 1,24,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। देश में 75 दिन बाद अनलॉक की बड़ी शुरुआत। कंटेनमेंट जोन छोड़कर कई राज्यों में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट आम लोगों के लिए खुले। 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खुले रेस्टोरेंट। हफ्ते के पहले दिन बीएसई 553.93 अंक ऊपर और निफ्टी 184.6 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। बीते सप्ताह शुक्रवार को बीएसई और निफ्टी बढ़त के साथ हुए थे बंद। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 829 अंक पर हुआ था बंद। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत नासाज। केजरीवाल को हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत। केजरीवाल ने खुद को घर में किया आइसोलेट। केजरीवाल का कराया जाएगा कोरोना टेस्ट। दिल्ली बॉर्डर पर लगी पाबंदी खत्म। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ की सीमाएं खुली। दिल्ली सरकार ने 1 जून को लगाई थी बॉर्डर पर रोक। दिल्ली पुलिस नहीं कर रही आने जाने वालों से कोई पूछताछ। मास्क लगाकर पूजा के लिए पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। करीब 2.5 महीने बाद कई राज्यों में मंदिरों के खुले कपाट। दिल्ली में खुले मॉल, रेस्तरां, क्लब, होटल और धार्मिक स्थल। अब से फिर गुलजार हुए मॉल और रेस्तरां। धार्मिक स्थलों पर लौटी रौनक। गाइडलाइन के अनुसार करनी होगी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली चिकित्सा विभाग की बैठक। कोरोना के हालातों को लेकर की चर्चा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और कोर ग्रुप के अधिकारी रहे मौजूद। जयपुर में नाबालिग अफीम तस्कर निकला कोरोना संक्रमित। अफीम तस्कर को कराया गया अस्पताल में भर्ती। स्टेट क्राइम ब्रांच, स्थानीय थाना और बाल सुधार गृह की टीम को क्वारंटाइन करने की तैयारी। स्टेट क्राइम ब्रांच ने किया था बाल औपचारिक निरुद्ध। सीकर के दातारामगढ़ में कोरोना का बढ़ता जा रहा कहर। सुरेरा और मंडा गांव में 2 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने। विभाग की ओर से दोनों की खंगाली जा रही ट्रेवल स्टेट। धौलपुर जिले में भी कोरोना का बढ़ रहा कहर। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। राजस्थान में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का बयान। कहा, प्रदेश में अब प्रतिदिन हो सकेंगे 25,150 कोरोना टेस्ट। सीएम गहलोत ने जांच क्षमता बढ़ाने के लिए 25,000 का रखा था लक्ष्य। चिकित्सा मंत्री ने कहा, प्रदेश की रिकवरी दर 73% से अधिक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट। कहा, लॉकडाउन के नए फेज में मिली है राहत। हमें हेल्थ प्रोटोकॉल की करनी होगी पूरी पालना। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। राजस्थान में भी खुले सभी मॉल्स और रेस्टोरेंट। राजधानी जयपुर में करीब 75 दिन बाद खुले मॉल और रेस्तरां। गौरव टावर, डब्ल्यूटीवी मॉल में पहुंचे कैद का ग्राहक। पहले दिन दुकानदार साफ सफाई और सजावट करने में रहे बिजी। राहुल गांधी का अमित शाह पर तंज। सीमा सुरक्षा को लेकर कसा शायराना अंदाज में तंज। कहा, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है। डिजिटल रैली के दौरान अमित शाह ने कहा था, अमेरिका और इसराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है तो वो है भारत। शिवपाल यादव ने बांधे अखिलेश यादव की तारीफों में पुल। याचिका वापस लेने पर शिवपाल ने जताया अखिलेश का आभार। हाल में ही वापस ली गई थी विधायकी खत्म होने की याचिका। कहा, अखिलेश के नेतृत्व में नए विकल्प। राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी का बयान। कहा, बीजेपी कभी नहीं होगी अपने मंसूबों में कामयाब। कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार करेंगे जीत हासिल। कांग्रेस के पास दोनों सीटों के लिए है पर्याप्त संख्या बल। गुजरात के विधायकों को सिरोही के रिसोर्ट में ठहराने का मामला। रिसोर्ट संचालक पर गाइडलाइन की अवहेलना का आरोप। रिसोर्ट संचालक के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज। क्रॉस वोटिंग के डर से रिसोर्ट में ठहराए गए करीब 2 दर्जन विधायक। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर भाजपा की ओर से बूथ महासंपर्क अभियान की शुरुआत। आमजन तक पहुंचाई जा रही है मोदी सरकार की उपलब्धियां। भाजपा नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर पीएम मोदी के नाम के बांट रहे पर्चे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर के कल्याणपुर में किया बूथ संपर्क अभियान का शुभारंभ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बांटे पत्र। बूंदी के इंद्रगढ़ में बूथ संपर्क अभियान की शुरुआत। आमजन को बताई मोदी सरकार की उपलब्धियां, तो पीएम के नाम के पत्र भी किए वितरित। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्षों की बैठक।
सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बनाई रणनीति, कहा पीएम के नेतृत्व में देश लगातार बढ़ रहा आगे। फिर फिसली झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार की जुबान, कहा जनता क्या कह रही है मैं उसे नहीं मानूंगा, यानी कि जनता से नहीं है सांसद को कोई सरोकार। धौलपुर दौरे पर पहुंचे सांसद मनोज राजौरिया, भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की मुलाकात, तो वहीं जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। सांसद राजौरिया ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने दो दिन में अब तक मार गिराए 9 आतंकी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, इंटरनेट सेवा को किया गया बंद। अम्फान और निसर्ग के बाद गति तूफान ने बढ़ाई चिंता, बंगाल की खाड़ी में मची हलचल, ओडिशा में अगले 3 दिन में भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवाती तूफान निसर्ग के गुजर जाने के बाद मानसून ने पकड़ी रफ्तार, मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के करीब पहुंचा मानसून, आगामी 2 से 3 दिन तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके किए गए महसूस, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.1, दोपहर करीब 1 बजे दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, किसी जानमाल की खबर नहीं। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर गुलाबो सिताबो का 12 जून को होगा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर। फिल्म में अमिताभ बच्चन मिर्जा नाम के बुजुर्ग का रोल कर रहे हैं, जिनकी अपने किराएदार बाके से बिल्कुल नहीं पटती। मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर को मिला 2020 का रिचर्ड डॉकिंग अवार्ड, यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने जावेद। यह पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम से दिया जाता है। मशहूर पटकथा लेखक कवि और अभिनेता हबीब तनवीर की बरसी आज, हिंदुस्तानी रंगमंच के शलाका पुरुष थे तनवीर। हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर 1923 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। 1959 में दिल्ली में नया थिएटर कंपनी की थी स्थापना। कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सरजा का 39 साल की उम्र में निधन, बेंगलुरु में एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत, कन्नड़ फिल्म जगत में शोक की लहर। करीना और तैमूर के साथ बिना मास्क मरीन ड्राइव पर टहलते नजर आए सैफ, बिना मास्क आउटिंग के चलते सैफ और तैमूर पर हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल, भड़के लोग बोले सेलेब्स को कोरोना नहीं होता क्या। विक्की कौशल ने की काम पर वापसी की घोषणा, 8 जून से शुरू हो रहा सरदार उधम सिंह का पोस्ट प्रोडक्शन, विक्की कौशल ने इंस्टाग्राम पर शहीद सरदार उधम सिंह की बायोपिक से जुड़ी खबर की शेयर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नया अवतार कार बाइक, शौकीन माही ने रांची में दौड़ाया ट्रैक्टर, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने दी प्रतिक्रिया। इन्फिनिक्स हॉट नो की बिक्री आज से भारत में शुरू, फ्लिपकार्ट से दोपहर 12 बजे से शुरू हुई बिक्री। इन्फिनिक्स हॉट 9 के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वर्जन की कीमत 8,499। जियो अपने ग्राहकों को दे रहा 1 साल के लिए मुफ्त डिज्नी और हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन, 401 रुपए की मासिक योजना में यूजर्स को मिलेगा 399 रुपए कीमत वाला 1 साल का डिज्नी और हॉटस्टार वीआईपी सब्सक्रिप्शन। एसबीआई में है 7.75% ब्याज पर दे रहा पर्सनल गोल्ड लोन, ले सकते हैं 20 लाख रुपए तक का कर्ज, 18 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति कर सकता है आवेदन। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बनाया नया नियम, 1 अक्टूबर से BS6 फोर व्हीलर की नंबर प्लेट पर लगेगी हरी पट्टी, पेट्रोल सीएनजी और डीजल सभी प्रकार के फोर व्हीलर पर होगा लागू, BS6 वाहनों की अलग पहचान के लिए लाया गया कानून। तेज हुई चीनी सामान के बहिष्कार की मांग, 10 जून से CAIT देश भर में छेड़ेगा अभियान, देश का बड़ा व्यापारी संगठन है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, 7 करोड़ व्यापारियों और 40,000 व्यापार संघों का प्रतिनिधित्व करने वाला CIT स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की भी करेगा अपील। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में करीब 1100 पेज की चार्जशीट दाखिल, चार्जशीट में 17 लोगों को बनाया गया आरोपी। 24 फरवरी को शाहदरा में उपद्रव के दौरान हेड कांस्टेबल रतन लाल गंभीर रूप से हो गए थे घायल, बाद में रतन लाल की हो गई थी मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 2 बाइक, 2 तमच्चे और 5 कारतूस बरामद।
यूपी की कटरा कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कुख्यात इनामी बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप के खिलाफ मामला दर्ज। श्रीगंगानगर में नशे में धुत पति ने पत्नी और बेटे को उतारा मौत के घाट, लोहे की रोड से हमला कर की हत्या, आरोपी मौके से हुआ फरार, घरेलू कलह बताया जा रहा है कारण। डूंगरपुर के मालीखेड़ा गांव में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार पुलिस मित्र की मौत। बीकानेर में इंटेलिजेंस ब्यूरो की कार्रवाई, बीकानेर से पकड़े गए दो संदिग्ध, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने दोनों को पकड़कर पुलिस मुख्यालय में की पूछताछ। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में ग्रामीणों के हत्थे चढ़े गो तस्कर, ग्रामीणों ने की जमकर धुनाई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया आरोपियों को गिरफ्तार। सिरोही जिला पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई, ढाबे पर दबिश देकर 700 लीटर डीजल किया जब्त, पुलिस ने ढाबा संचालक को किया गिरफ्तार। जयपुर में बदमाशों ने की व्यापारी से लूट, चाकू से वार कर व्यापारी को किया घायल, 1 करोड़ रुपए लूट कर हुए फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में गत्ता फैक्ट्री में लगी आग, दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, करीब 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन। जयपुर के सोडाला स्थित नमकीन फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में रखा माल जलकर हुआ राख, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की मदद से पाया आग पर काबू, पुलिस जुटी जांच में। टोंक जिले के देवली में अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे में वृद्ध महिला समेत 2 लोग घायल, दोनों घायलों को नाजुक हालत में किया कोटा रेफर, आवारा जानवर को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। सीकर के नीमका थाना इलाके में चोरों का आतंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया चोरी का प्रयास, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस जुटी जांच में। यूपी के पीलीभीत में बाघ ने 2 किसानों पर किया हमला, किसानों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, 1 किसान हुआ गंभीर घायल, रिछोला गांव में भय का माहौल। टोंक में कोरोना वॉरियर्स का हुआ सम्मान, रेल लाओ संघर्ष समिति ने किया मीडिया कर्मियों को सम्मानित, फूल माला पहनाकर जताया आभार, तो वहीं मास्क भी किए वितरित। करौली में स्टेशनरी विक्रेताओं पर कोरोना की मार, दुकानों में जमा है किताबों के भंडार, स्कूल बंद होने से व्यापारी में हो रहा है भारी नुकसान। दौसा के लालसोट में आम की खपत नहीं होने से किसान परेशान, प्रतिदिन कच्चे आमों की हो रही है चोरियां, देशी आम की अत्यधिक रहती है डिमांड। भरतपुर में आयुर्वेद विभाग की अच्छी पहल, अधिकारियों और कर्मचारियों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़े का किया जा रहा है वितरण, कर्मचारियों ने विभाग का जताया आभार। जालौर के रानीवाड़ा में मनरेगा कार्य जारी, सरपंच ने मनरेगा कार्यों का किया निरीक्षण, छाया और पानी की व्यवस्था की ली जानकारी, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा ध्यान। सरपंच एसोसिएशन ने हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, ग्राम विकास अधिकारियों के अविधिक रूप से निलंबन करने के संबंध में सौंपा ज्ञापन। शाहबाद पंचायत समिति का नरेगा मजदूरों ने किया घेराव, भुगतान नहीं मिलने से श्रमिकों में दिखा आक्रोश, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कमरे का किराया माफ करने के लिए छात्र ने खून से लिखा खत, अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताई पीड़ा, तो कलेक्टर ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन। अजमेर के विजयनगर में मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले ने पकड़ा तूल, लोगों ने मसूदा एसडीएम को सौंपा तहसील, एसडीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, मतदाता सूची में वापस नाम जोड़ने की हिमाचत। मलाना डूंगर में अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में युवक हुआ घायल, आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। बाड़मेर के निजी बस संचालकों ने दिया अल्टीमेटम, 11 जून तक टैक्स माफ नहीं करने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का दिया अल्टीमेटम, 6 महीने तक टैक्स माफ करने की हिमाचत। टोंक के देवली में माइनिंग विभाग की कार्रवाई, अवैध बजरी परिवहन कर रहे 2 ट्रेलर और 1 डंपर को किया जब्त, बजरी माफियाओं में मचा हड़कंप। बाड़मेर में मरु गूंज संस्था की पहल पर सत्यपुर क्लब का सराहनीय कार्य, बीएसएफ के जवानों को वितरित किए 500 छाते, तपती गर्मी में देश की सुरक्षा कर रहे जवानों को राहत। भाजपा महिला मोर्चा सदस्य सेफ्टी चौहान ने किया डेगाना शहर का दौरा, कोरोना के प्रति लोगों को किया जागरूक, तो वहीं जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर के वितरित। जयपुर जिले के सांभर में सरकार की गाइडलाइंस की उड़ रही धज्जियां, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं कर रहे हैं पालना। झुंझुनू के खेतड़ी में वन्य जीव गणना के आंकड़े हुए जारी, पैंथर की संख्या में हुई बढ़ोतरी, गणना में शामिल हुए कुछ 6 पैंथर, इस वर्ष 1047 बड़े वन्य जीव। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।